दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो ये वीडियो बिहार SI, बिहार कांस्टेबल, बिहार ड्राइवर या बिहार में पुलिस के पदों के लिए जो नई वैकेंसियां जितनी भी हैं उनकी संभावना और जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पोस्ट किया गया था उससे रिलेटेड है। चूँकि उनके सोशल हैंडल्स पे करा गया है पोस्ट की, हम लोग 1,20,000 से 1,00,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ जो हैं बची हुई हैं उसको हम लोग जल्द ही फिलअप करेंगे, जल्द ही भरेंगे तो नई बहाली आएंगी। तो देखिए चूँकि चुनावी वर्ष है तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं कि आएंगी। अभी इससे पहले बिहार पुलिस में 21,000 पद जो बिहार में सबसे ज़्यादा आया है और एक बार एग्ज़ाम हुआ, कैंसिल हुआ, लेकिन दूसरी बार स्मूथली एग्ज़ाम कराने के लिए आयोग प्रयासरत है। चूँकि बिहार पुलिस में काफ़ी जगहों पे नए नए मतलब एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं, 112 डायल है और कुछ और संस्थाएं बन रही हैं और मतलब कुछ ऐसे मिशन अनुसंधान, सर्च, FSL, बड़ी नई नई प्रकार के टीम बनाए गए हैं जिसको लेके संख्या बढ़ रही है, संख्या रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो ऐसे में बिहार पुलिस में जो कांस्टेबल रैंक के हैं, पुलिस के कांस्टेबल रैंक की भर्ती ज़्यादा आ सकती है। रही बिहार दरोगा के पदों की, तो बिहार दरोगा के लिए भी काफ़ी पद खाली हैं, तो 2,000 से ज़्यादा जो पद काफ़ी लोग कह रहे हैं आने की संभावना है। लेकिन इसमें अभी श्योरिटी नहीं है कि ये कब रिलीज होगा पहले, क्योंकि अभी तो एक बैच जो है ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा ही नहीं है। अभी सब कुछ थोड़ा बहुत बाकी है, महीने लगेंगे हो सकते हैं उन लोगों को पहुंचते पहुंचते सब कुछ। तो ऐसे में कि तुरंत आ जाए थोड़ा सा मतलब अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि काफ़ी कोचिंग वाले कह रहे हैं कि ऐसा है। देखिए हम लोग छात्रों के हित के लिए ही हमेशा काम करते हैं, उनके ही बात है, लेकिन बात यह है कि आएगा ज़रूर। ऐसे समय में यदि आप एक बिगिनर हैं या फिर आपकी जो कमियां रह गई हैं फिजिकल में या फिर मेंस में या कुछ लोग तो रिटेन में ही, तो उस पर काम कीजिए। बिहार कांस्टेबल में भी और अनेकों प्रकार की भर्तियां, तो उस भर्ती के लिए भी आपके पास बहुत ही ज़्यादा समय है, बहुत समय है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप मतलब जब एकदम रेस में नहीं आ जाना है, लेकिन अभी आप सबसे पहले देख रहे हैं कि सिलेबस किस हिसाब से चेंज हो रहा है, बेसिक्स पे पकड़ बनाइए। जिनको सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम अभी देना है वही एक प्रायोरिटी है, पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वही एक प्रायोरिटी है, और अभी समय है नई आने वाली वैकेंसी के लिए। तो प्लीज़ 6 to 10 का NCERT, 6 to 10 का NCERT या SCERT, बिहार बोर्ड वाला थोड़ा सा आसान रहता है, उसको कर लीजिए। हम लोगों ने कराया भी था, फिर कराएंगे, आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका एक बेस बन जाएगा, और मुझे लग रहा है कि उन्होंने जैसे बिहार पुलिस में सिलेबस कॉपी पेस्ट किया है, आगे आने वाले एग्ज़ाम में बिहार दरोगा में, बिहार SSC वगैरह के एग्ज़ाम में, हालांकि प्रायोरिटी हमेशा से NCERT को तो मिला ही है, स्टैंडर्ड बुक से ही क्वेश्चन सेट किया जाता है, जो हम लोग गाइड वगैरह पढ़ते हैं वही स्टैंडर्ड्स बुक के नोट्स होते हैं, इसलिए क्वेश्चन मैच कर जाते हैं। तो 6 to 10 NCERT को प्रायोरिटी दीजिए, समय है, लेकिन वैकेंसी जल्द ही मतलब जल्द नहीं ज़रूर ही आपके बीच में आएंगी। तो ऐसे में बनता है कि आप इस बार ऐसी तैयारी कर लीजिए, शुरू से अपना ये टारगेट लेके चलना है कि अगले 6-7-8 महीने तक में हमको सब कुछ अपना क्लियर करके बैठ जाना है, और जैसे ही वैकेंसी आएगी हम लोग उसके पीछे फटाफट लगेंगे। तो लास्ट टाइम में आप प्रीवियस ईयर कर पाइएगा, बुक्स कर पाइएगा, प्रैक्टिस सेट कर पाइएगा, ऑनलाइन सेट कर पाइएगा, बहुत चीज़ से आप आज़ाद हो जाएंगे। इसलिए भी जब वैकेंसी नहीं है ऐसे में आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वैकेंसी आने की संभावना तो है, लेकिन थोड़ा सा मेरे हिसाब से समय लगेगा। वो जिन्होंने कह दिया है तो इसका मतलब नहीं है कि तुरंत आ जाएगा, लेकिन हम लोग काम करते हैं तो देखते हैं कि किन किन पदों के लिए जो विभागीय नियुक्तियां होती हैं कि इनके लिए रिक्वायरमेंट है, इनके लिए रिक्वायरमेंट है, तो मुख्यालय से जो आदेश होता है हम लोग के यहाँ आता है, तो बिहार पुलिस से इच्छुक जो कर्मी होते हैं वही जाते हैं। लेकिन जब नई वैकेंसी आएगी, यानी इसका मतलब ज़रूरत है, तो नई वैकेंसी जब आएगी तो काफ़ी बर्डन कम होगा और नई वैकेंसियों में से ही लड़कों को लिया जाएगा, इसलिए नई वैकेंसी की ज़रूरत है, समय है, लेकिन चुनावी वर्ष है, आपको इसका ध्यान रख के अपना भी बेस्ट देना है और रिजल्ट लेने का प्रयास करना है। जैसे जैसे बताया जाता है उस हिसाब से करिएगा, रिजल्ट 100% 110% होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।